हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सीमाफोर। ये सीमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके गेट, यूजीसी नेट, सेट या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन इसी सीमाफोर में से आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं ये सीमाफोर क्या है। सीमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट सॉल्व्स द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स। आफ्टर इनिशियलाइजेशन इट कैन ओनली बी एक्सेस बाय टू एटॉमिक ऑपरेशंस। देखिए ये सीमाफोर क्या है। ये एक इंटीजर वेरिएबल है जो आपके क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। क्रिटिकल सेक्शन क्या है? देखिए मान लीजिए एक साथ बहुत सारे प्रोसेस P1, P2, P3, P4 इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस एक साथ आ रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, इसी सब प्रोसेस में से एक कोई छोटा सा एक कोड है जो हर कोई एक्सेस कर सकता है। ये प्रोसेस इस कोड को एक्सेस करता है। यहाँ पर कुछ बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, तो वो कोड को एक्सेस करेगा। ये P2 भी एक्सेस करेगा, P3 भी करेगा, P4 भी, एंड अदर जो प्रोसेस है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग एक क्रिटिकल सेक्शन में रखते हैं, ताकि क्योंकि अगर पी प्रोसेस इसको एक्सेस करे तो उस टाइम कोई और प्रोसेस इसको एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि हम लोगों के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं इसी क्रिटिकल सेक्शन को। एक ही कोड को हर कोई यूज कर सकता है, बट एट ए टाइम कोई यूज नहीं, सिर्फ एक ही यूज कर सकता है। इसी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए हम लोग ये सीमाफोर यूज करते हैं, जिसमें एक इंटीजर वेरिएबल यूज होता है। ये जो सीमाफोर है, ये सीमाफोर टू टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है काउंटिंग सीमाफोर एंड दूसरा है आपका बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर में आपको माइनस इन्फिनिटी से लेकर इसका प्लस इन्फिनिटी तक रेंज है। एंड बाइनरी सीमाफोर में हम लोग जानते ही बाइनरी 0 और 1 को एक्सेप्ट करता है, तो बाइनरी सीमाफोर पे सिर्फ 0 और 1 होता है। इसी कोई प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना होगा तो उसके लिए क्या होगा, एक क्रिटिकल सेक्शन के 3 रूल्स है, इसी रूल्स को फॉलो करना होगा। एक है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूशन, दूसरा है आपका प्रोग्रेस एंड थर्ड है आपका बाउंडेड वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या है? मान लीजिए P1 एंड P2 टू प्रोसेस है, एक क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहता है, तो अगर P1 पहले इसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा तो उस टाइम P2 उसी क्रिटिकल सेक्शन को एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर P2 का काम हो जाएगा उसके बाद वो एग्जिट करके कर लेगा, उसके बाद ही P2 उसको एक्सेस कर पाएगा। मतलब एट ए टाइम कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर सकता है। ये है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूशन। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब क्या है? देखिए प्रोग्रेस क्या है, मान लीजिए P1, P2 ऐसे करके PN तक कोई प्रोसेस है जो हर कोई क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। लेकिन मान लीजिए P1 को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है, P2 को भी एंट्री करना है, बट P3 को एंट्री नहीं करना है, तो उस टाइम क्या होगा, सिर्फ P1 एंड P2 के अंदर कोई कंपटीशन होगा। जो एंट्री सेक्शन का कोड पहले चलाएगा वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए सिर्फ P1 एंड P2 प्रोसेस है, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए सिर्फ P1 को जरूरत है, उस टाइम P2 नहीं जाना चाहता, तो हम लोगों के एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखना होगा सिर्फ P1 ही अंदर जा पाए। ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से P1 जाना चाहता है लेकिन P2 उसको रोक रहा है। अगर P2 अगर जाना चाहता है, P1 उसको रोक रहा है, ऐसा कोई कोड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस। एंड नेक्स्ट है हमारा बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट मतलब क्या है? अगर कोई प्रोसेस, मान लीजिए P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, बट उस पहले P2 उस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर चुका है, ऐसा नहीं होगा कि P1 वेट करता ही रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक और P1 को कोई क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो बाउंडेड वेट को वायलेट करेगा, तो ये क्रिटिकल सेक्शन के
कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो बाइनरी सीमाफोर नहीं होगा। तो हम लोगों को ऐसा करना होगा, कोई लिमिटेड टाइम रहेगा, उसी लिमिटेड टाइम के अंदर P2 को काम करके खत्म करके बाहर आएगा, उसके बाद फिर से P2 अगर जाना चाहे तो उसको नहीं जाने देंगे, हम लोग P1 को क्रिटिकल सेक्शन के एंट्री करेंगे। ये हमारा 3 रूल्स है क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए। अगर इसी रूल्स को हम लोग फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में एक एंट्री कोड होता है और उसके बाद एग्जिट कोड होता है। उसी एंट्री एंड एग्जिट कोड को हम लोग कैसे करते हैं, एंट्री के लिए हम लोग जो बाइनरी सीमाफोर जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए कुछ बाइनरी सीमाफोर में ये जो एंट्री सेक्शन है एंड एग्जिट सेक्शन, ये दोनों में कोई कोड चलता है। एंट्री सेक्शन में डाउन वेट या फिर पी ऑपरेशन होता है, उसी तरह से अगर हम लोग एंट्री सेक्शन में डाउन यूज करेंगे तो एग्जिट सेक्शन में हम लोग अप यूज करेंगे। वेट अगर यूज करेंगे तो इसमें सिग्नल या फिर पोस्ट को यूज करेंगे, एंड पी अगर ऑपरेशन यूज करेंगे तो उसमें हम लोग एग्जिट सेक्शन में हम लोग वी ऑपरेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर एंट्री सेक्शन के कुछ कोड होते हैं जिसमें हम लोग ये जो बाइनरी सीमाफोर है, इंटीजर वेरिएबल हम लोग लेते हैं बाइनरी सीमाफोर में, उसमें एक वेरिएबल लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए, सबसे पहले ये डाउन ऑपरेशन को हम लोग यूज करेंगे। देखिए डाउन ऑपरेशन, जहाँ पर हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं एस, जिसका वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 1। यहाँ पर देखिए एक वाइल ऑपरेशन यूज करेंगे जिसमें एस लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो ही अगर ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन का अगर सेटिस्फाई करेगा तो ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री कर पाएगा। उसके बाद ये जो पी प्रोग्राम है वो इसको क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके उसके बाद जब एग्जिट करेगा तो ये जो एस का जो आपका वैल्यू 0 किया था उसको हम लोग अप करेंगे, उसको हम लोग 0 से फिर से 1 करेंगे, ताकि दूसरा जो प्रोसेस होगा P2 P3 जो प्रोसेस होगा वो इसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री कर पाए। तो वे जो पी ऑपरेशन है क्रिटिकल सेक्शन में अगर काम कर पाएगा तो उसके बाद वो एग्जिट सेक्शन के ऑपरेशन को यूज करेगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर डाउन किए तो यहाँ पर हम लोग सीमाफोर के वैल्यू को अप करेंगे, तो वहां पर वाइल एस इक्वल टू एस प्लस 1 करेंगे तो वो एस का वैल्यू 0 से फिर से 1 हो जाएगा। उसके बाद P1 जो प्रोसेस है वो एग्जिट करके सीमा क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल आएगा। उसके बाद P2 अगर जाना चाहे तो P2 भी सेम करेगा, डाउन एस को 0 करेगा, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन का काम हो जाने के बाद एग्जिट सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, एस की वैल्यू अप करके 0 से 1 कर देगा और बाहर निकल आएगा। इसी तरह से ये सीमाफोर काम करता है। यहाँ पर हम लोग ने बाइनरी सीमाफोर यूज करके ये हम लोग सीमाफोर कैसे यूज होता है हम लोग देखे हैं। इसी तरह से हम लोग काउंटिंग सीमाफोर को भी यूज कर सकते हैं, जिसका रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, कुछ भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बाइनरी सीमाफोर में हम लोग सिर्फ 0 और 1 को ही लेते हैं। ये जो सीमाफोर में डाउन एंड अप ऑपरेशन है वो ये जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो वो प्रोग्राम कोई भी लिख सकता है, कोई भी अपने तरह से यूज कर सकता है, लेकिन इसी प्रोग्राम को लिखने के लिए सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन के ये जो 3 कंडीशंस है उस 3 कंडीशन को फॉलो करना होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट। ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो ऑपरेशन फुलफिल हो जाएगा, तभी कोई प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री सेक्शन को यूज करके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर यूज आ सकता है, उसके बाद यूज करके एग्जिट सेक्शन के कोड को चलाकर उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से सीमाफोर काम करता है। अगर इसी सीमाफोर रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।